students, today is our maths class and today we do our page number 36. What is in our page number 36? क्या है हमारे page number 36 में? Let's see. देखिए, ये क्या था? Tens place और ये है हमारा ones place. Okay? Numbers आते हैं 1, 0, 5, 8. अभी तक हमने ऐसे questions किए हैं. 10 को 58 में add किया है. अब हम इसमें एक one row और add करेंगे. क्या करेंगे हम एक row और? Add. अब मुझे बताओ इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम? रो 1, रो 2, रो 3. दैट मींस 3 रो और कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2. 2 कॉलम. ओके? और ये क्या है मेरा? एडेंड 1, एडेंड 1 और ये एडेंड 2, एडेंड 2, ये है एडेंड 3 और जो हमारा यहां पर आएगा वो है हमारा सम. क्या है हमारा सम? एडेड 1, एडेड 2, एडेड 3 और सम. अभी हमें कैसे ऐड करना है? देखो ये तो हमारा TO है ना, इसको तो हमको ऐड नहीं करना. हमको ऐड करना है 8 और 1 को ऐड करना है. तो कैसे करेंगे? और 0 को ऐड करना है. तो कैसे करेंगे? अभी मुझे क्या याद रखना है? देखो ये मेरा फिंगर है, हैंड है, उसमें ये 1 फर्स्ट वाला 1 1 2 1 2 3. ठीक है, अभी मैं जस्ट आफ्टर काउंटिंग स्टार्ट करती रहूंगी. जैसे 8 है, आफ्टर काउंटिंग कितने लेनी है? 1 टाइम लेनी है. तो 8 के आफ्टर जस्ट काउंटिंग 9. 1 पे रखा मैंने है फिंगर को एंड देन काउंट 9. 8 के आफ्टर 9. ओके, अभी जैसे मुझे 5 के आफ्टर गिनना है तो 5 के आफ्टर 1, 6 और 6, ये हो गया 6 और 6 के आफ्टर 1, 6 के आफ्टर 1 7. द आंसर विल बी 7. ओके, चलिए अब हम एक और करते हैं. द नंबर इज 33. 1 2 एंड देन 3 2. अभी मुझे इसको ऐड करना है. ओके, चलिए बिगर नंबर तो 3 है, उसके बाद 2 2. जैसे हम स्किप काउंटिंग भी करते हैं ना 2 2 की, हम वैसे भी कर सकते हैं. 3 के बाद 4 5. 3 के बाद 4 5. 5 हो गए. 5 के बाद 6 7. ठीक है, 7. अभी यहाँ देखो 3 के आफ्टर 1, 3 के आफ्टर 1 4. 4 हो गया ना, छोड़ दो, लीव इट. माइंड में रखो कितना नंबर आया अभी, 4. अगला नंबर क्या है? 3. 3 1 2 3 3 और 4 के आफ्टर, 4 के आफ्टर 5 6 7. ठीक है, हमको भी क्या करना है? जस्ट नंबर काउंट करना है 1 1 2 1 2 3, लेकिन आफ्टर काउंट करना है. बार बार ये नहीं काउंट करना 1 1 2 1 2 3, नहीं करना, जस्ट आफ्टर काउंटिंग करते जाना है. 3 के आफ्टर, जैसे देखो 3 के आफ्टर 4, ठीक है, 4 के आफ्टर 5 5 6 7, क्योंकि मुझे 3 फिंगर्स ओपन करनी थी, 5 6 7. जैसे अगर मैं यहाँ पर करूँ 3 के बाद 4 और 5 हो गया, 5 1, अगेन 2 है, 6 7, द नंबर विल बी 7. ओके, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो आप इनको बिग फिंगर पर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ओनली 1 2 और 3 ही काउंट है. 1 2 और 3 इतने ही काउंट करने हैं, आगे के बड़े नंबर नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अभी हम चलिए अभी हम एक और करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रॉप दैट. क्या है अगला नंबर, चलिए देखते हैं. नंबर है मेरा 4 0 1 2 4 0 1 2 एंड देन 3 2 3 2. ठीक है, अब देखिए 2 के आफ्टर 3 4, कितनी फिंगर ओपन हुई है? 2, और मैंने जस्ट 2 के आफ्टर काउंट किया 3 4, क्योंकि ऊपर तो 0 था, वो तो नहीं होना था. द आंसर विल बी 4. अब देखो 4 के आफ्टर 1 5, माइंड में रख लिया नंबर कितना आया यहाँ तक 5. अभी 3 और काउंट करने आफ्टर 5 के बाद 6 7 8, 3 फिंगर्स ओपन कर ली मैंने, नंबर आया 8. ओके, क्लियर हो गया. चलिए अभी एक और देखते हैं हम लोग. क्या है अगला हमारा? नंबर आएगा 1 4 1 4
जीरो टू थ्री। ध्यान से समझना बेटा जी इसको, अगर इसको समझोगे नहीं तो कैरी सम आगे नहीं हो पाएंगे। ओके चलिए, फोर के आफ्टर जीरो को काउंट नहीं करते, फोर के आफ्टर कितने काउंट करने हैं, थ्री। फोर के आफ्टर थ्री, फाइव सिक्स सेवन, द नंबर विल सेवन। बिगर नंबर से स्टार्ट करेंगे, बिगर से फाइव है तो फाइव के ऊपर वन सिक्स, सिक्स हो गया, बंद हो गया सिक्स। अभी यहाँ पर क्या, टू, सिक्स के आफ्टर सेवन एट, सिक्स के आफ्टर सेवन और एट, इज इट क्लियर। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा बट बेटा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके चलिए अभी एक और करते हैं, करें एक और, देखो क्या करना, क्या करना आपकी बात, टू फोर, टू फोर वन फाइव थ्री और जीरो को ऐड करना है। ओके चलिए करिए, बिगर नंबर कौन सा है, फाइव। फाइव से आफ्टर कितने काउंट करने हैं, फोर, और ये जीरो है तो नहीं काउंट होंगे। फाइव के आफ्टर फोर, फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, हो गया क्लियर है। कितनी फिंगर्स ओपन की थी मैंने, फाइव फोर, लेकिन कैसे की थी, वन वन ऐसे करके, फाइव के आफ्टर काउंटिंग करके, सिक्स सेवन एट नाइन, द आंसर विल बी नाइन। थ्री, बिगर नंबर थ्री है, थ्री से आफ्टर फोर, फोर माइंड में आ गया यहाँ तक, नेक्स्ट नंबर टू है, फोर के बाद मुट्ठी बंद हो गई, फोर के बाद फाइव और ये सिक्स। ओके अभी क्लियर हो गया बेटा जी आपको कैसे करना है, आपको ये क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आते हैं तो मैं आपको एक और मेथड बता देती हूँ, ठीक है, जो आपको इजी रहेगा करने के लिए, कैसे करना है हम लोग। चलो मैं आपको एक और मेथड से बता, ठीक है, आपको क्या करना है, लाइक एज ये नंबर दिया है टू वन फोर टू एंड थ्री वन, इनको ऐड करना था, ठीक है। आप क्या करोगे, जो बिगर नंबर है उसको छोड़कर बाकी दोनों की लाइन लगा लोगे, यहाँ पर वन और यहाँ पर भी वन, टू के आफ्टर काउंट करो, टू के आफ्टर थ्री और ये हो गया फोर। यहाँ पर बिगर नंबर फोर है उसको छोड़ दो, लाइन किसकी लगेंगी, टू की और किसकी लगेंगी, थ्री की। काउंटिंग कहाँ से, आफ्टर फोर, फोर के आफ्टर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, आंसर विल बी नाइन, ठीक है। आप इसमें लाइन्स लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन लाइन्स सारी मत लगाना, सिर्फ जो बिगर नंबर है उसको छोड़ के बाकी लगाना और आफ्टर काउंटिंग स्टार्ट कर लेना। करें एक और लाइन्स वाला पैटर्न से, चलिए लास्ट में आपको और करवा देंगे लाइन वाले पैटर्न से ही। कैसे करेंगे अभी हम लोग, चलिए फोर वन टू, फोर वन टू फाइव थ्री जीरो, इनको ऐड करना है। ओके चलिए, बिगर नंबर फाइव है तो लाइन्स किसकी लगेगी, थ्री की, वन टू थ्री, काउंटिंग जीरो की कोई लाइन नहीं होती, फाइव के आफ्टर सिक्स सेवन एट, देन फोर के आफ्टर, फोर बिगर है, लाइंस किसकी लगेंगी, वन और टू की, ये वन की वन लाइन और टू के लिए टू लाइंस, तो क्या आ गया, फोर के आफ्टर फाइव सिक्स सेवन, आंसर विल बी सेवन, ठीक है। अभी मैंने आपको दो मेथड से ये क्वेश्चन करवाया है बेटा जी, पेज नंबर 36 के, ओके, जिसकी आपको फोर रोज अपनी बुक में फिल करनी है। ओके मैम आपको वो सेंड कर देंगे। ओके बेटा जी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।